जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज मैं आपके साथ बृहस्पति वार व्रत कथा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाता और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। हर दिन गरीबों की मदद करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे, महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई कभी दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, पियाव लगवाओ, धर्मशाले बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम ना आए तथा जिनको मैं अन्य लोगों को दान दूँ, जिनको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख मांगने के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर बसर हो ही जाएगा। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यानमग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने उसकी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अत्यंत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौट कर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है।
वह छोटे लोगों से तो बात तक नहीं करती। 5 शेर बेझर देने के बजाय मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। इसी प्रकार मुझे बहुत निराशा हुई एवं खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व ना उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों में विस्मति होकर दासी अंदर को गई और वहां उसे एक घड़ा भरा बेजर मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी और रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो वह भी व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन एवं विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तो ही भोजन कर ले, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अंततः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने भगवान गुरु को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने एवं धन एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य आ रहा है, बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान्य पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, याव लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का मान सम्मान बढ़े और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं आपके प्रित प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार सदकर्म करने का प्रारंभ किया। इसी प्रकार
कर्म करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हो गया। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम भी किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। साधु के वचन को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देवता की कथा भी नहीं जानता, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत का धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, किसी बात की चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से ज्यादा धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगी एवं गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता, ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती न ही किसी का देवता का पूजन करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप किया करती थी, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भरकर ले जाती थी और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे, तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप से उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पति वार था, कन्या ने व्रत रखा था और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपका पूजन एवं व्रत किया है तो कृपया करके मुझे सोने का सूप दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा का वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी, उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप में एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ।
मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न होगे। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण की कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वापस लौट आई। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत ही हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को भी यहाँ लिया लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात एक कोठरी में खाने का सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवर्ती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्युलोक को स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया और बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे औरों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देवता उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए ना ही आग जलाए, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने को आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुँचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने तथा अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। एक खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक को बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद हुआ लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख को प्राप्त हुआ है। किसी प्रकार की चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 50 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी कराना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा को जेल के द्वार पर पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लाख का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा।
राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह पहले से भी अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशाला एवं कुआं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी अर्दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। हमारी वह ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जा, इससे तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, यह सब हमें धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूँगा और नित्य व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर नीचे गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा कि उसने अपने पुत्र से हाल सब पूछा, तब बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ ने दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौट कर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवाभगत की। दूसरे दिन जब सुबह राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले, तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन ना किया हो। वहाँ एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे यह भी पता चला कि वहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब बालक ही साथ नहीं चलेगा तो तुम भी जाके क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन कर रही है परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा,
घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण और मनोवांछित फल देते हैं। जो बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय।